हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ फोर के पर। दोस्तों कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है एसएससी ने इस बार धमाल मचा रखा है, वैकेंसी पे वैकेंसी आ जा रही है, तो आप इसका फ़ायदा लीजिए, हमारे साथ जुड़ के एमटीएस इस बार क्रैक कीजिए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और पहला दिया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? ऑप्शन ये दे रखा है, लोक लेखा समिति, भी विशेषाधिकार समिति, सी प्राकलन समिति, डी सरकारी उपक्रम समिति। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? मैं आपकी जागरूकता के लिए बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी एमटीएस में भी ये आ चुका है, अभी जल्दी भी आया, फिलहाल में 2021 के एग्जाम में दोस्तों ये आया था। तो आप इसको अपने नोट्स में सही से लिख लीजिए। ऑप्शन इधर का वैशाधिकार समिति, बी नियम समिति, सी इनमें से कोई नहीं, डी प्राकलन समिति। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष होता है वह नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट दिया है, संसदीय कितने प्रकार की समितियाँ होती हैं? ऑप्शन ए तदर्थ समिति, बी स्थायी समिति, या सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, प्यारे मित्रों संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ए इनमें से कोई नहीं, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी राष्ट्रपति संसद, डी भारत का महाधिवक्ता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन वी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट दिया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है संसद, बी विधि मंत्रालय, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की जो शक्ति है दोस्तों वो संसद के पास है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल। नेक्स्ट दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ए दे रखा है, अनुच्छेद 34 से 48, वी दे रखा है अनुच्छेद 33 से 46, सी दे रखा है अनुच्छेद 36 से 51, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट दिया है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ऑप्शन ये सभी, बी प्रशासनिक सिद्धांत, सी आर्थिक सिद्धांत, डी सामाजिक सिद्धांत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त जो ये सभी जो हैं राज्य के निधिशेष तत्वों के सिद्धांत अंतर्निहित किए गए हैं। ऐसी क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको फ्रेंड्स मिलता रहे। नेक्स्ट दिया है, भारत के सम परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखा करने के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकी, बी वित्त सचिव, सी महालेखा नियंत्रक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकी। नेक्स्ट दिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा आवेदन प्रतिवेदन होता है देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, भी लोकसभा अध्यक्ष को, सी वित्त मंत्री को, डी राष्ट्रपति को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट किसी क्लास के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद,